सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको भी इंस्टाग्राम पे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे किसी को भी रिप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है और कुछ ऐसा वहाँ पे लिखा आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ, साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम किस कारण से होती है। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको बता देता हूँ इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना फेसबुक मैसेंजर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फेसबुक मैसेंजर आ चुका है, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको आपको पहले इंस्टॉल करना होगा। जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताया था। जैसे मैसेंजर आपका इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको आपके इंस्टाग्राम में आना है। आने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मैसेंजर का आइकन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिसको भी मैसेज भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। आपको रिप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, रिप्लाई का बटन आ जाएगा। अब ज़्यादातर लोगों का तो इससे आ ही जाएगा, अगर आपका फिर भी नहीं आता है तो आपको करना क्या है, आपकी जो प्रोफाइल है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइंस देखने को मिल जाएंगे, इन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको जो नीचे नीचे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, COVID-19 इन्फॉर्मेशन सेंटर, तो अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इसके नीचे कि अपडेट मैसेंजर। तो अपडेट मैसेंजर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो मैसेंजर है वो अपडेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं रही। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो फिर आपको करना क्या है कि आपको कॉन्टैक्ट करना होगा इंस्टाग्राम टीम से। अब इंस्टाग्राम टीम से आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताया था। यहाँ से आपको डायरेक्टली सेटिंग पर क्लिक कर देना। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको हेल्प का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हेल्प पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हेल्प सेंटर पर क्लिक करके यहाँ से आपकी प्रॉब्लम बता देनी है कि मेरे को ये वाला मैसेंजर पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो वो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब ज़्यादातर तो मैंने जो शुरू के दो तरीके बताए उनसे ठीक हो जाएगी, अगर फिर भी नहीं होती तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना होगा हेल्प से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बता सकते हैं।